तो वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ भारतीय टीम 12 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच दो टेस्ट मुकाबलों की श्रृंखला खेलने जाने वाली है और ये टेस्ट श्रृंखला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जब आप WTC के पर्सपेक्टिव से भारतीय टीम के भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि WTC 2023 का फाइनल समाप्त हो चुका है, एक नई साइकिल आरंभ हो रही है और ये पहली टेस्ट श्रृंखला रहेगी। तो सभी भारतीय फैंस की यहां पर निगाहें हैं कि क्या यहां पर हमें टेस्ट स्क्वाड में कोई भारी भरकम बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या कोई सीनियर खिलाड़ियों की यहां पर छुट्टी हो सकती है और क्या हमें नए नवेले नाम नजर आएंगे इस टेस्ट स्क्वाड में। सबकी यहां पर निगाहें हैं इसी टेस्ट स्क्वाड के लिए और ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से प्रिडिक्टेड 15 मैन स्क्वाड यहां पर हो सकता है भारतीय टेस्ट टीम का जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ हमारे पास जानकारियां हैं, क्या कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं और आखिर मेरा एनालिसिस क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डॉक्टर क्रिक पॉइंट पे। एक वेरी वेरी स्पेशल वीडियो हमारे भारतीय टीम के सभी फैंस के लिए जा रही है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग जानदार शानदार कमालदार लाजवाब वीडियोस हर एक बार बारंबार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और अगर आज आप लोगों को दिन भर यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के संबंधित खबरें IPL से संबंधित खबरें जाननी रहती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी दिलचस्प खबरें और अपडेट्स हम लगातार शेयर करते रहते हैं। और ऐसे में चलिए इसके पहले कि हम बात करें यहां पर हमारे स्क्वाड के बारे में, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्क्वाड के बारे में जानकारी चाहते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों ये है कि BCCI टीम इंडिया का जो ये पूरा स्क्वाड है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इसको मोस्ट लाइकली 27 जून को पिक करने वाले हैं और मतलब इस दिन वो सिर्फ टेस्ट स्क्वाड ही नहीं पिक करेंगे बल्कि ODI और T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का भी चयन होने वाला है। वहीं पर दोस्तों दूसरा की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, और अपडेट ये है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे, इनको यहां पर इन दो टेस्ट मुकाबलों के लिए खेलना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों कुछ और रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि रोहित शर्मा को यहां पर रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन अब ये मानना है कि शायद ऐसा नहीं होगा और रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे और शुभमन, विराट और अजिंक्य रहाणे अपना अपना स्थान टेस्ट स्क्वाड में एज इट इज रिटेन ही करेंगे। हालांकि रोहित को लेकर अभी भी मैं उतना श्योर नहीं हूं क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रेस्ट मिलेगा, कुछ कहती हैं कि नहीं वो खेलेंगे, पर मेरा ये मानना है कि वो आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों नंबर 3 की पॉइंट ये है कि जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, KL राहुल और श्रेयस अय्यर ये वेस्ट इंडीज का दौरा मिस करेंगे अपनी अपनी इंजरीज के चलते। अगर ये अवेलेबल होते तो शायद ये सारे नाम आपको टेस्ट स्क्वाड में नजर आते, लेकिन ये खिलाड़ी अवेलेबल है नहीं तो आपको नजर नहीं आएंगे। हालांकि दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि यहां पर डिबेट हो रही है एक्चुअली चेतेश्वर पुजारा को लेकर, और मैं आपको अब ये बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर चेतेश्वर पुजारा को लेकर बहुत लोगों ने बोला कि अब वो ड्रॉप हो जाएंगे, यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। तो कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि नई डिबेट है, अभी पुजारा पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है, पर हमें जितना सुनने में आ रहा है एक्चुअली डिबेट तो जरूर है चेतेश्वर पुजारा की प्लेइंग 11 में प्लेस पर, तो अब बहुत संदेह है। स्क्वाड पर अगर आप बात करेंगे तो मेरी समझ से शायद आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो स्क्वाड में नजर आ सकते हैं, हालांकि प्लेइंग 11 पर आप निश्चित तौर पर यहां पर डिबेट करेंगे और डिबेट उनके स्क्वाड में भी होने को होगी जो कि 27 जून की मीटिंग के बाद चीजें क्लियर हो सकती हैं, पर शायद अभी वो आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड में नजर आने वाले हैं। तो इतने सारे की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, अब चलिए टेस्ट स्क्वाड आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके पहले भैया टेस्ट स्क्वाड की ही बात करने से पहले TNPL की बात करते हैं। TNPL चल रही है, अब आप लोग को पता है, लेकिन आपको ताबड़तोड़ फैंटेसी क्रिकेट भी तो खेलनी है, खेल तो रही हो ना आप लोग, तो खेल रहे हो तो खेलो भैया क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पर, क्योंकि यहां पर ना सबसे पहले मैं बता दूं TNPL पर बोनस कोड मिल रहा है TNPL 500, जिसका आप इस्तेमाल करोगे तो आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर 500 का बोनस कोड मिलेगा। और क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी है क्या? अरे भैया प्ले स्टोर पर हाईएस्ट रेटिंग फैंटेसी ऐप है, सिर्फ क्रिकेट के फैंस के लिए बनी है, तो कोई ताम झेम यहां पर कोई तोल मोल झोल मोल कुछ है ही नहीं भैया, सिर्फ क्रिकेट के फैंस हमारे आपके लिए बनी है, बहुत प्यारा एप्लीकेशन है। अब यहां पर ना आपको वो 1 करोड़ कैसे झूठे इधर उधर के सपने नहीं दिखाए जाते बल्कि एक्चुअली में आप यहां पर लाखों जीतते हो। आप यहां पर जो है TNPL के हर मैच में 10,000 तक बिल्कुल फ्री जीत सकते हो, 0 रुपीज फ्री कॉन्टेस्ट, ज्वाइन करो और भैया जीतो, आप क्या कर रहे हो, फटाफट से ज्वाइन करो। और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फेक टीम कोई बॉट नहीं है, सब कुछ रियल है, रियल लोगों को हराओ और रियल अमाउंट भी यहां पर लेकर जाओ। और भैया जैसा मैंने बताया कि सबसे बेहतरीन क्रिकेट फैंटेसी ऐप और सबसे इजीएस्ट फैंटेसी ऐप है क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। आज है TNPL का बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, अभी जाइए और
फटाफट से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके TNPL के लिए सभी फटाफट से यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पर हजारों लाखों बनाना अभी के अभी स्टार्ट। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये कहती है कि अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक को भी स्क्वाड में इंक्लूड किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो ट्रिक है वो दरअसल ये है कि ये यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि अर्शदीप और उमरान मलिक कौन से फॉर्मेट में इस स्क्वाड में नजर आएंगे। क्या वो टेस्ट के लिए इंक्लूड किए जाएंगे या फिर वो T20 ODI के लिए। मेरा टेस्ट स्क्वाड क्या कहता है चलिए वो मैं आपको निश्चित तौर पर नीचे बताऊंगा, पर ये की पॉइंट्स जरूर हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल, जी हां जायसवाल साहब का नाम बहुत उछल रहा है और रिपोर्ट्स का ये मानना है कि ये आपको अब मेन स्क्वाड में नजर आ सकते हैं। इनको यहां पर टीम ग्रूम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मन बना भी चुकी है। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ इनको लेकर जाएंगे, खिलाएं ना खिलाएं एक अलग दृष्टिकोण है, पर इनको आप मेन स्क्वाड में देखने वाले हैं और ना सिर्फ केवल टेस्ट में बल्कि T20 इंटरनेशनल टीम में भी इनका चयन हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक को वेस्टइंडीज दौरे से रेस्ट यानी कि विश्राम दिया जा सकता है। और वेस्टइंडीज के पूरे दौरे से शायद नहीं, लेकिन टेस्ट स्क्वाड की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, शायद वहां पर इनको विश्राम जरूर दिया जा सकता है। ऐसी मेरे पास जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और मोहम्मद शामी का नाम इसमें सबसे ज्यादा निकलकर बाहर आ रहा है कि शायद शामी को टेस्ट स्क्वाड से रेस्ट दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जब इतने सारे की पॉइंट्स और इतने सारे दृष्टिकोण को हमने डिस्कस कर लिया, मैंने अपनी रिपोर्ट्स अपना एनालिसिस सब कुछ बता दिया, अब बात करते हैं कि आखिर स्क्वाड नजर कैसे आएगा। 15 मैन भारतीय टीम का प्रेडिक्टेड स्क्वाड मेरे लिए क्या है वेस्टइंडीज श्रृंखला के लिए, चलिए आपके सामने पेश करता हूं। और इस स्क्वाड में कुछ चीजें मुझे बहुत सर्टेन नजर आ रही हैं जो कि यहां पर कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा होगा कि बहुत सारे बदलाव होंगे, ये होगा वो होगा, परंतु दोस्तों जितना मुझे बताया गया है शायद ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ज्यादा बदलाव के खिलाफ है यहां पर जो है BCCI मैनेजमेंट और उनको नहीं लगता कि ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। इनफैक्ट एक BCCI सोर्स ने बोला भी था कि देखिए भैया हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप WTC की साइकिल खेलते हैं और ऐसे में हम बहुत ओवर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। और इसीलिए दोस्तों अगर आप स्क्वाड की बात करेंगे तो मेरी समझ से रोहित शर्मा एज अ कैप्टन आपको नजर आएंगे, देन विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल, ये खिलाड़ी तो तय हैं अपनी, मतलब 100% कंफर्म्ड है कि अपनी अपनी जगह रिटेन ही करेंगे स्क्वाड में। उसके बाद दोस्तों आपको चेतेश्वर पुजारा मेरी समझ से नजर आएंगे, मुझे लगता है ये अभी भी आपको मेन स्क्वाड में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल, जी हां एक्चुअली इनकी एंट्री अब आपको मेन स्क्वाड में देखने को मिल सकती है, इतना बदलाव हो सकता है। इसके पहले ये आपको रिजर्व्स में नजर आते थे, फिर ऋतुराज गायकवाड़ अभी नहीं गए थे WTC फाइनल में तो वहां पर भी आपको रिजर्व्स में नजर आए थे, पर अब मुझे लगता है कि जायसवाल साहब को वेस्टइंडीज दौरे से आप मेन स्क्वाड में पाने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों कोना श्रीकर भरत, अब KS भरत पर बहुत चीजें थी, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई कि इनको खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, इनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा स्क्वाड में, लेकिन KS भरत अपनी प्लेस रिटेन करेंगे। और उसका कारण यह है कि ऋषभ पंत भी इंजर्ड है, KL राहुल भी इंजर्ड है, तो विकेट कीपिंग स्लॉट में आपके पास ज्यादा विकल्प बचते नहीं है भारतीय मतलब दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं। और ऐसे में कोना भरत के साथ शायद टीम इस श्रृंखला में भी स्टिक करेगी एज अ विकेट कीपर, और उसके बाद ईशान किशन फॉर श्योर रहेंगे और शायद इनको अब प्लेइंग 11 में KS भरत से ज्यादा प्रायोरिटी मिले, लेकिन स्क्वाड में दोनों रहेंगे। और उसके बाद आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मुझे लगता है ये तो श्योर शॉट नाम है, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है, डिबेट है नहीं यहां पर शार्दुल ठाकुर को भी लेकर, क्योंकि ये भी आपको नजर आएंगे। एंड इसके बाद अब यहां पर चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि क्या मोहम्मद सिराज को भी टेस्ट स्क्वाड से रेस्ट मिलेगा या फिर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर उनको रेस्ट मिलता है तो फिर आपको मोहम्मद शामी को तो मेरी समझ से रेस्ट मिल रहा है तो वो तो नहीं खेलेंगे, सिराज को अगर मिल गया तो फिर आपको अर्शदीप सिंह नजर आ सकते हैं, नहीं तो फिर मोहम्मद सिराज आपको नजर आएंगे, शायद अर्शदीप को मौका नहीं मिलेगा। और आपको फिर दोस्तों यहां पर जयदेव उनादकट और उमेश यादव भी मे बी, हालांकि बहुत लोगों की चर्चा है कि उमेश यादव शायद यहां से ड्रॉप हो जाए तो आपको मे बी यहां पे मुकेश मेन स्क्वाड में या फिर उमरान मलिक को लेकर बहुत नामों को लेकर चर्चाएं हैं कि ये आ सकते हैं वो आ सकते हैं, पर जिस तरीके से मैनेजमेंट की सोच है क्या वो उमेश से आगे बढ़ेंगे या फिर उनके साथ स्टिक करेंगे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। मेरी समझ से शायद इस श्रृंखला के लिए स्टिक कर सकते हैं। और रही बात रिजर्व्स की तो वहां पर अब मैं मुकेश कुमार को, ऋतुराज गायकवाड़ को और उसके बाद अर्शदीप या फिर उमरान में से किसी एक को देखता हूं, कंसीडरिंग कि क्या मोहम्मद सिराज खेलते हैं, अगर वो मेन स्क्वाड में है तो फिर यहां पर अर्शदीप नजर आ सकते हैं या फिर उमरान में भी, वैसे अर्शदीप के चांसेस ज्यादा हैं, पर अगर जो है खेलते ही नहीं है मोहम्मद सिराज तो फिर शायद अर्शदीप मेन स्क्वाड में नजर आए एंड आपको यहां पर रिजर्व्स में उमरान मलिक नजर आ सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स का ये मानना है जैसा मैंने बताया कि अर्शदीप और उमरान को स्क्वाड में रखा जाएगा। अब क्या टेस्ट में या फिर किसी और प्रारूप में उसको लेकर मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है तो वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, पर यहीं पर जिस तरीके की अपडेट्स थी, जितनी अपडेट्स थी मैंने आप लोग को बता दिया, तो इन टोटल लगभग मैंने 18 मैन स्क्वाड बताया जिसमें से 15 मैंने मेन स्क्वाड और रिजर्व्स भी बता रखे हैं। आपकी समझ से दोस्तों भारतीय टीम का टेस्ट स्क्वाड वेस्टइंडीज के खिलाफ
खिलाफ क्या होना चाहिए और क्या आपको लगता है कि चेतेश्वर पुजारा को मेन स्क्वाड में रखना चाहिए या फिर इट इज टाइम कि आप उनको छोड़ दें और दूसरे खिलाड़ियों के साथ जाएं। आपका अपना मानना क्या है, अपना ओपिनियन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, अपना स्क्वाड जरूर बताएं, अपना ओपिनियन बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा। फिर से कहता हूं, हर दिन आपको आईपीएल की खबरें, आपको इंडियन क्रिकेट टीम की खबरें, क्रिकेट जगत से जुड़ी हर एक छोटी से लेकर बड़ी अपडेट, हमारा अपना ओपिनियन, हमारी बातचीत सब कुछ टेलीग्राम पर होती है। बहुत अच्छी हमारी प्यारी सी दुनिया है, उसमें जरूर जुड़ जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग एंड जानदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।